दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। 10 साल हो गए आंगनबाड़ी में लगे हुए, आशा सेवनी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सुशीला सोनरवाल हूँ माकुपुरा आंगनबाड़ी केंद्र से। और अभी तक हमारे 14 सालों में अभी तक ना तो हमारे कोई पेमेंट बढ़ाता है, और कोविड-19 में हमारी ड्यूटी जारी है। 3 महीने से हम लगातार जब से ड्यूटी लगी हम वहीं से कर रहे हैं, और अभी तक हमने कुछ भी वो मना नहीं किया काम करने के लिए। फिर भी हमारे कोई ना तो सैलरी बढ़ाता है और ना ही हमें परमानेंट करने के कोई चांस है। हमें एक विभाग में कर दिया जाए ताकि हम संतुष्ट रहे कि हमारे किसी विभाग से तो हम परमानेंट हो सके। आज आपने कहाँ पे ज्ञापन दिया? आज हमने जिला कलेक्टर के वहाँ ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के लिए ही हम आए हैं यहाँ पे। सुशीला सोनरवाल, तेजय चौक, माकुपुरा आंगनबाड़ी। मैं विराटनगर की आशा सहयोगिनी हूँ। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि हम कोरोना सर्वे में किस प्रकार ड्यूटी कर रहे हैं, किस प्रकार लोगों को डिस्टेंसिंग एंड मास्क के बारे में बता रहे हैं, और उनको ये बताया जा रहा है कि हमें जो राज्य ये केंद्र द्वारा हमें एक ही विभाग में कराया जाए, हमारी सैलरी बिल्कुल भी 2700 रुपये जो हमारे घर खर्च चलाने के लायक भी नहीं है। और हमें ये बताया है कि कोरोना ड्यूटी के साथ साथ हम किस प्रकार अपने क्षेत्र में काम करते थे, उन्हें सिस्टर के साथ, डॉक्टर के साथ, उनको जो बाहर से अगर कोई बाहर से कोई आया भी हो तो उनसे क्वारंटाइन करने जाते थे। और साथ ही जो प्रेगनेंस लेडीज होती है जिसके 8th मंथ या 9th मंथ चल रहा था, उनको कोरोना टेस्टिंग कराई जाती है। हाँ, हम इतना काम करने के बाद में भी हमारी सैलरी कम दी जा रही है, और अभी तक भी हम अपना कार्य चालू कर रहे हैं। उर्मिला नाम है आशा। क्या आज क्या मांग करी हमने कलेक्टर साहब की? हमारे अजमेर की जितनी भी आशा सहयोग है उसको परमानेंट किया जाए। इधर देखिए, सामने देखो, आप सामने देखो इधर। तो